मॉर्निंग क्लास। आज मैं कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों में से कहानीकार सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित काकी के विषय में बात करूंगी। इस कहानी को भी मैंने 2-3 भागों में बांटा है। तो इसमें सबसे पहले भाग एक में कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृ वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। अब हम मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण देखेंगे। इस कहानी के पहले पात्र हैं श्यामू। श्यामू इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक अबोध बालक है। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। दूसरा पात्र है भोला। भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का समवयस्क था, पर वह श्यामू से अधिक समझदार था। इस अध्याय के तीसरे पात्र हैं विश्वेश्वर। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं, जो अपनी पत्नी उमा की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। अंतिम पात्र है उमा। उमा श्यामू की माँ है, विश्वेश्वर की पत्नी है। श्यामू अपनी माँ उमा से बेहद प्यार करता है। भाग 2 काकी शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मात वियोग से उत्पन्न तड़प से है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा, यहाँ पर उस दिन से मतलब है जिस दिन श्यामू की माँ उमा की मृत्यु हुई थी। देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर कोहराम का अर्थ है रोना या कलपना। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। शयन का अर्थ होता है सोना या निंद्रा, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। करुण का अर्थ होता है दया उत्पन्न करने वाला। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव का अर्थ होता है यहाँ उत्पात करना या उधम करना। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर देखते हैं कि श्यामू इतना अबोध है, इतना मासूम है कि वह इतना भी नहीं समझ पाया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए वह लोगों से बोल रहा है कि इन्हें कहाँ लिए जा रहे हो। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। कठिनता मतलब मुश्किल से उसको उसके ऊपर से हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया, मतलब अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार में उसको नहीं जाने दिया। एक दासी उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। बुद्धिमान गुरुजनों से मतलब है कि यहाँ पे बड़े बुजुर्गों ने, समझदार लोगों ने उसे
शांत कराने के लिए बोला कि काकी सो रही है और मामा के यहाँ गई है। यहाँ पर मामा माँ के भाई को कहा जाता है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। यहाँ पर रुदन का अर्थ होता है रोना। श्यामू ने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो उसका दुख शांत नहीं हो पाया था। शोक का अर्थ होता है दुख। उसका शोक कम नहीं हो पाया था, शांत नहीं हो पाया था। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। यहाँ पर अनंतर का अर्थ है उसके बाद। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया। अंतर स्तर का अर्थ होता है हृदय। उसके हृदय में शोक था। वो अपने माँ के मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। शून्य मन का अर्थ होता है खाली मन से। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। श्यामू एकदम खुश हो गया था। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, विश्वेश्वर यानी कि श्यामू के पिता, बोला काका मुझे एक पतंग मंगा दो। श्यामू अपने माँ को और पिता को काका और काकी कहकर पुकारता था, इसलिए उसने कहा काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस रहा करते थे। अन्य मनस का अर्थ होता है जिसका मन कहीं और लगा हो। क्योंकि विश्वेश्वर की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो पूरे समय उसका ध्यान कहीं और लगा रहता था, खोया खोया रहता था वो। श्यामू ने उससे कहा कि एक पतंग मंगा दो, तो उसके पिता ने कहा अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव में कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित का अर्थ होता है बेचैन। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग आया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क का अर्थ होता है समान आयु का या हम उम्र। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपने जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। जीजी को लोग कहते हैं बहन। जीजी को गांव में सभी लोग बहन के नाम से बोलते हैं। बहन के रूप में पुकारा जाता है जीजी को। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। भाग तीन। भोला के द्वारा पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें
डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। यहाँ पर दाम का अर्थ होता है मूल्य। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को ना मालूम हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। ओछी का अर्थ होता है छोटी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। यहाँ पर उसका मतलब है कि नाम की चिट होगी, मतलब उसके माँ के नाम की, अगर काकी उस पतंग पे लिखा रहेगा तो वो काकी के पास सीधे जाकर पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग से रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल का अर्थ होता है खुश। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, विघ्न का अर्थ होता है बाधा, और उग्र का अर्थ होता है भयंकर। मतलब श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहां पर उग्र रूप धारण किए हुए वहां आ गए। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है? भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर का अर्थ होता है भेद खोलने वाला। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब श्यामू की सारी बात विश्वेश्वर के सामने आ गई है, क्योंकि भोला डर गया था, सक पकाकर चकित हो गया था, और उसने उसके पिता के सामने सारी बातें भूल दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, तमाचे का अर्थ होता है थप्पड़ मार के कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई। इन्होंने अर्थात श्यामू ने, श्यामू की तरफ इशारा करके भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हद बुद्धि का अर्थ होता है जो कुछ सोचने की अवस्था में ना हो। श्यामू ने जब ये बात कही
पतंग तानकर काकी को राम के यहां से उतारेंगे। तो विश्वेश्वर हद बुद्धि हो गए थे, अब उनके समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो परेशान हो गए थे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा देखा तो उसका अर्थात उसके पिता विश्वेश्वर का क्रोध काफूर हो गया। मतलब उसके पिता का क्रोध क्या हो गया, काफूर हो गया, क्योंकि उसने श्यामू ने अपनी माँ उमा को नीचे उतारने के लिए पतंग के द्वारा उस पर ऊपर भेजा था कि काकी को वो पतंग के द्वारा नीचे बुला लेगा, और उसी पतंग पर एक चिट पर लिख दिया था काकी। और जब उसके पिता ने विश्वेश्वर ने वो काकी शब्द देखा तो वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, वो उनका क्रोध बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। इस तरह से हम देखते हैं कि श्यामू अपने माँ से कितना प्रेम करता था, उसकी मृत्यु होने के बाद भी वो चाहता था कि उसकी माँ उसके पास आ जाए।